हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई होप यू ऑल आर गुड। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के हमारे ग्रंथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और साथ में हम देखेंगे जीके से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं वीडियो का रोड मैप, जिसमें हम सबसे पहले आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताऊंगी और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी जिसके आंसर्स आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और इनके आंसर जो रिविजन कल मैं आपको वीडियो के लास्ट में इनके आंसर्स बताऊंगी। और लास्ट में फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि जो कल मैंने आपका रिवीजन टेस्ट पूछा था उसके आंसर्स, और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आगे डे का शेड्यूल क्या है, कि हम कौन से वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, चीन में संपन्न 18वीं शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO बैठक में किस देश ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरने वाली चीन की परियोजना वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन नहीं किया। ऑप्शंस है जापान, भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। यानी कि चीन में संपन्न 18वीं शंघाई सहयोग संगठन बैठक में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से, जिसे हम LOC कहते हैं, कश्मीर से गुजरने वाली, सॉरी LOC नहीं, PU कहते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां से गुजरने वाली जो चीन की परियोजना वन बेल्ट वन रोड है उसका समर्थन नहीं किया। इसमें जो हमारे मोदी जी जो मीटिंग को अटेंड करने गए थे, उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया कि हम इस चीज़ का जो वन बेल्ट वन रोड है इसका समर्थन नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 ने सम्मेलन के दौरान शरणार्थियों समेत महिलाओं और लड़कियों की सहायता व शिक्षा के लिए कितना खर्च करने की घोषणा की है। ऑप्शंस है $2 बिलियन, $3 बिलियन, $4 बिलियन, $5 बिलियन। इसका जो राइट आंसर है वो है $3 बिलियन। यानी कि G7 सम्मेलन के दौरान शरणार्थियों समेत महिलाओं और लड़कियों की सहायता व शिक्षा के लिए करीब $3 बिलियन खर्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अब तक कितने गोल दागकर अर्जेंटीना के लियोनल मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ऑप्शंस है 55, 59, 61, 64। इसका जो राइट आंसर है वो है 64। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने अब तक 64 गोल यानी कि 64 गोल दागकर अर्जेंटीना के लियोनल मेसी के रिकॉर्ड की बराबरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया है। ऑप्शंस है जिनेंद्र कुमार, अरविंद सक्सेना, विशेष प्रकाश, आशुतोष चौधरी। इसका जो राइट आंसर है वो है अरविंद सक्सेना। यानी कि केंद्र सरकार ने जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य अरविंद सक्सेना को 20 जून से आयोग का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, तेलंगाना की उस छात्रा का क्या नाम है जो मात्र 16 साल की उम्र में B.Tech की पढ़ाई पूरी करके राज्य की सबसे कम उम्र की महिला इंजीनियर बन गई है। ऑप्शंस है काशी भट्ट, समिता आर्य चमलियाल, आत्री देवमित्रा, नैनिका जोहाट। इसका जो राइट आंसर है वो है काशी भट्ट सहमिता। यानी कि तेलंगाना की काशी भट्ट 16 साल की उम्र में B.Tech की पढ़ाई पूरी कर राज्य की सबसे कम उम्र की महिला इंजीनियर बन गई है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है। ऑप्शन देवेंद्र गौतम, शरद कुमार, अश्विनी नागपाल और संजय सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है शरद कुमार। यानी कि केंद्र सरकार ने NIA के पूर्व प्रमुख और भारतीय पुलिस सेवा के जो 1979 बैच हरियाणा कैडर के सेवानिवृत्ति अधिकारी शरद कुमार को केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख नियुक्त किया है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2018 का G7 सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया है। ऑप्शंस है अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। यानी कि कनाडा में जो आयोजित G7 समूह देशों के नियुक्ति की 2 दिन की जो शिखर बैठक के बाद साझा व्यवक्त
जारी किया गया है, यानी कि कहाँ हुआ है जो शिखर सम्मेलन हुआ है, जो G7 का, वो हुआ है कनाडा देश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पद के लिए केंद्र सरकार UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की अपेक्षा सीधी भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है? IAS अधिकारी, रेलवे अधीक्षक, कोस्ट गार्ड, पुलिस। जो राइट आंसर है वो है IAS अधिकारी, यानी केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में हुई हिंसा से भारत में GDP को कितने प्रतिशत हानि हुई है? इसके ऑप्शन है 7%, 8%, 9%, 10%। इसका जो राइट आंसर है वो है 9%, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किए गए एक वैश्विक सर्वेक्षण में पता चला है कि वर्ष 2017 में हुई हिंसा के कारण भारत की GDP को 9% का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब जीता है? ऑप्शन है डोमिनिक थियम, रोजर फेडरर, जोवक नोकोविच, राफेल नडाल। इसका जो राइट आंसर है वो है राफेल नडाल, यानी कि विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हराकर खिताब जीता है। यानी किसे, जो हमारे राफेल नडाल है उन्होंने किसे हराया? डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी थे, उन्हें जो उन्हें हराया और उन्हें हराकर जो खिला फ्रेंच ओपन टेनिस खिताब को अपने नाम कर लिया है। फ्रेंड्स, ये तो थे आज की जो करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा रिविजन टेस्ट, जिसमें मैं आपको स्टैटिक जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देती हूँ और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताने हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन। औपनिवेशिक काल के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया गया था। ऑप्शंस है आधारभूत संरचना, उद्योग, कृषि, सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया था। सबसे पुराना शहर कौन सा था भारत के अंदर? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो और सिंध। इनमें से आपको सही आंसर बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर भारत के किस गांव शहर में एक टावर या फिर मीनार है? ऑप्शन है मुंबई, अलीगढ़, कालीकट, गुंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण को फारसी में किसने अनुवादित किया? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ, इसरदास। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत में ब्रिटिश राज काल के दौरान लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम गीत किसके संबंधित है, यानी कि किसने लिखा है, किस चीज, किस पर्सन से ये बिलोंग करता है, किससे एसोसिएटेड है? मोहम्मद इकबाल, रामप्रसाद बिस्मिल, काजी नजरुल इस्लाम, फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य ने डैश में अपने साम्राज्य की स्थापना की? सुदूर दक्षिण, मालवा, डेक्कन, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेपोलियन शीर्षक से जुड़ा हुआ है। इन चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त वन और हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करें और सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि लॉर्ड क्लाइव। इसमें दे रखा है कि जो एक साइड तो आपको गवर्नर जनरल दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं और उसके बाद उनके कार्य दे रखे हैं कि उन्होंने किस किस काम को अंजाम दिया है, उन्होंने किस किस काम को किया है। फर्स्ट है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। अब उन्हें बताना है कि उन्होंने किस किस काम को किया है इनमें से। इसके ऑप्शंस है सब्सिडरी अलायंस, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ड्यून गवर्नमेंट इन बंगाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं, अकबर, अबुल फजी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डैश प्रतीक बुद्ध के जन्म से संबंधित है। कमल, घोड़ा, पहिया, स्तूप। इनमें से बताना है कि जो बुद्ध के जन्म से कौन सा संबंधित है, कौन सा सिंबल संबंधित है।
फ्रेंड्स, ये तो थे आज के रिवीजन टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं जो मैंने आपको कल रिवीजन टेस्ट पूछा था उसके आंसर्स की, उनके आंसर्स क्या है। फर्स्ट है हमारा अबुल फैजल, यानी कि इसमें पूछा गया था अकबर के शासनकाल की आधिकारिक वृत्तांत अकबर नामा किसके द्वारा लिखी गई थी, यानी कि अकबर नामा जो है अबुल फैजल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, इसमें मैंने आपको बताना था कि इसमें से आपको एक क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि सबसे पहले जो तुर्क आए थे इब्री तुर्क आए थे, उसके बाद खिलजी आए थे, उसके बाद तुगलक आए थे, फिर सैयद और लास्ट में लोधी आए थे। यानी कि इब्राहिम लोधी जो लास्ट में लोधी आए थे, उसके बाद जो मुगल शासन स्टार्ट हो गया था जिसमें कि बाबर ने स्टार्ट किया था इब्राहिम लोधी को हरा कर। नेक्स्ट है, लोधी राजवंश के संस्थापक का नाम बताइए। उसका जो नाम है वो है बहलोल लोधी, यानी कि बहलोल लोधी ने जो लोधी डायनेस्टी स्टार्ट की थी, फाउंडर था, यानी कि फाउंड की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अशिक्षित था, यानी कि इलिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो थे अकबर। ठीक है, अकबर इलिटरेट थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। नेक्स्ट है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। हिंदी विद्वान था मोहम्मद जायसी सिंह। नाम से हिम्मत जाइएगा कि ये मुस्लिम है, ये हिंदी विद्वान नहीं हो सकता, बट वो हिंदू हिंदी विद्वान थे। कौन थे? मालिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की गिरफ्तारी के बाद निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के नेतृत्व को संभाला था। इसके जो आंसर है वो है अब्बास त्याबजी, यानी कि अब्बास त्याबजी ने जो महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद जो नमक सत्याग्रह चल रहा था उसे, उसकी जो बागडोर है वो संभाली थी। नेक्स्ट है, बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो बारडोली सत्याग्रह के नेता थे। नोवाखाली किस राज्य में स्थित है, वो है बांग्लादेश में, यानी कि नोवाखाली बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त पर भारत द्वारा सत्ता हस्तांतरण का अधिकार आधार क्या था। इसके जो राइट आंसर है वो एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जैपनीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन, यानी कि माउंटबेटन के आगे जो है जैपनीज आर्मी है उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उसकी जो एनिवर्सरी वो 15 अगस्त को आती है। यानी कि एडमिरल माउंटबेटन से पहले जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो लास्ट हमारा जो टेस्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकरणों के अनुसार भारतीय अशांति का जनक कौन था, फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक है वो भारतीय अशांति का जनक था अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जो कल आपसे रिविजन टेस्ट दिया गया था आपको उसके आंसर्स। और लास्ट में देख लेते हैं आज का शेड्यूल। आज फ्रेंड्स हम आपको एक इंग्लिश की वीडियो, मैथ और रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, सो आप हमारे चैनल पे इन वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम्स में उसमें बहुत सारी हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी मास्टर।